हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम करने वाले एक और न्यू रीडिंग देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की आपके लिए क्या फीलिंग है। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, आप उस व्यक्ति का नाम मनीमन दोहराइए, उसके बारे में सोचिए। चलिए देखते हैं उस व्यक्ति की आपके लिए क्या फीलिंग है। आप इस रीडिंग को किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हो, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लव क्रश, सिंगल, कोई भी है, ठीक है। आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो। तो चलिए देखते हैं उस व्यक्ति की आपके लिए राइट नाउ की क्या फीलिंग है। अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स, बताएं मेरे व्यूवर, जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उस व्यक्ति की राइट नाउ की इनके लिए क्या ट्रू फीलिंग है, वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्ड का, किंग ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स, द ड्रीमर, एट ऑफ पेंटिकल। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स। ओके व्यूअर्स, सो सबसे पहले अगर मैं राशियों की वहां पे बात करूं तो आपके लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी राशि यहाँ पे आ जाती है। लिब्रा स्ट्रांग राशि है, टॉरस स्ट्रांग राशि है, ठीक है, ये दो राशि बहुत स्ट्रांग है, आप देख लीजिएगा। देखो व्यूअर, सबसे पहले इस पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ, आपके पर्सन कह रहे हैं यार मैं तो फंस गया या यार मैं तो फंस गई, ये क्या हुआ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, ठीक है। तो सिचुएशन यहाँ पे क्या है, सिचुएशन है यहाँ पे व्यूअर्स ईगो की। यस, देर इज अ ईगो आपके कनेक्शन में बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है और इस ईगो ने बहुत कुछ बिगाड़ के रख दिया आपके कनेक्शन में, ठीक है। जहाँ पर इंसान अपने आप को मे बी इतना ज़्यादा या तो चार्मिंग, अट्रैक्टिव, या फिर ये कहूँ कि इतना ज़्यादा वो समझता था कॉन्फिडेंट कि उनको किसी रिजल्ट को लेके कॉन्फिडेंस था कि होगा तो यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन सेकंड आस्पेक्ट भी इनके सामने आएगा कि जब इनको कोई अप्रोच ही नहीं करेगा, इनको कोई पूछेगा ही नहीं इनकी ईगो की वजह से, ठीक है। और फिर ये पछताएंगे, हाथ पे हाथ धर के, जैसे कहते हैं ना, इंसान बैठा हुआ था, कुछ करना ही नहीं चाह रहा था और आज उसको लग रहा है कि यार मैंने इतनी बार उस व्यक्ति ने मुझे अप्रोच किया, उस व्यक्ति ने इतनी बार मेरे को चेस किया, ठीक है, लेकिन मैं पता नहीं कौन से वो उसमें अहम में था या थी कि मैंने उसके एक भी आंसर का रिप्लाई नहीं दिया, एक भी क्वेश्चन का सही से जवाब नहीं दिया, एक भी आदमी मैंने उसे सीधे मुंह बात नहीं करी। और अब वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक नई राह पे चल चुका है, नई राह पकड़ चुका है और अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। पुरानी थिंकिंग जो थी वो वर्क नहीं करी, पुराने प्लान जो थे वो वर्क नहीं कर रहे और जो नई सिचुएशन सामने आके खड़ी हो गई है उसका कोई रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा। तो ये जो व्यक्ति हैं व्यूअर्स यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब आपको ये कैसे कैसे रोकेंगे जाने से, जो नए पाथ पे आप निकल पड़े हो। दूसरा, आपको कैसे ये मनाएंगे, कैसे आपको ये भरोसा दिलाएंगे कि जैसा इन्होंने पास्ट में आपके साथ में किया है,
जैसा ट्रीट किया है आपको, आपकी वैल्यू को ना समझ के, या फिर आपको आड़े हाथों लेके, वो अब आपके साथ में ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए नजर आ रही है। यस दे ऑल्सो नो दे हर्ट यू अ लॉट, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा मतलब एक वनरेबल कंडीशन से बाहर निकल के आ रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके अब डिप्लोमेट या प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपको चीज़ें सिर्फ सही या गलत में नज़र आती हैं, या तो चीज़ें सही हैं या गलत हैं, बीच का कुछ भी आपको समझ में अब नहीं आता, या तो चीज़ें राइट हैं या रॉन्ग है, या हाँ है या ना है, बीच में मेबी वाली सिचुएशन आपको समझ में अब नहीं आती। ठीक है, अब आप अपनी लाइफ में जो भी है वो सही तरीके से करना चाहते हो, क्लैरिटी के साथ में करना चाहते हो। तो यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आकर आपको देखूँ तो आप काफ़ी मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हो जहाँ पर आपने दिया तो बहुत है, बहुत कुछ किया है, लेकिन कभी जताया नहीं, कभी एहसास नहीं कराया इस व्यक्ति को कि मैं तुम्हारे लिए कितना कर रहा हूँ या कितना कर रही हूँ। लेकिन अब आप कह रहे हो कि तुम्हें जब तक मेरी वैल्यू नहीं समझ में आएगी तब तक मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम किससे डील कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं पता, तुम्हें किसी के सेक्रीफाइस की वैल्यू नहीं पता, तुम्हें किसी के प्यार की वैल्यू नहीं पता, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप जता रहे हो अब जस्ट कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, क्योंकि जब आपने देना बंद किया तब इनको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि हाँ ये मैंने किया। तो आप इस समय केस एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपने हक के लिए स्टैंड ले रहे हो और चाहते हो कि आपको आपका हक मिले और सही तरीके से मिले। ठीक है, और वो हक के साथ में मिले कि हाँ ये मैं डिजर्व करती हूँ और ये मुझे मिलना ही चाहिए, राइट। तो यस मैं आप लोग के लिए व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी, और काफ़ी लोगों की मुझे जो सक्सेस है वो इस पर्सन के लिए शॉकिंग भी है। अगर मैं बात करूँ तो मे बी ये सडन किसी का, जैसे कहते हैं ना, या तो कुछ हो गया है, मे बी सोशल मीडिया पे आप लोग छा गए हो, सोशल वर्ल्ड पे एकदम से सडन बूम आ गया है, कुछ गेन हो गया है, पॉपुलैरिटी मिल गई, लोग आपके फैन हो गए हैं, तो ये व्यक्ति इसको भी देख रहे हैं, या फिर आपके पास में कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आई है, मे बी कोई जॉब लग गई बढ़िया सी, ठीक है, या फिर कुछ प्रॉफिट गेन हुआ है आपको, कुछ आपने करके दिखाया है, साबित कर दिया है, राइट। तो ये भी एक तरह का शॉकिंग है, मे बी इस पर्सन को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि आप, क्योंकि ये किसी गुरूर में थे, मैंने आपको बताया था शुरू में, तो इनको लग रहा था कि इनकी जो लाइफ है वो हमेशा से आपसे टॉप पे रहेगी, आप इनको ही चेज करते रहोगे, या फिर आपकी वैल्यू इनके सामने कुछ नहीं है, एरोगेंस तभी आता है। लेकिन अभी जो ये चाहते हैं वो उनको मिल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि राइट नाउ व्यूवर्स आप में से काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन को एहसास करा रहा है कि दे लॉस्ट एवरी थिंग, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है, अब दे वॉन्ट अगेन। ठीक है, इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि यार ये व्यक्ति भी कुछ ऐसा करके दिखा सकता है या दिखा सकती है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन है, यार मैंने कितना कुछ अपनी लाइफ में खो दिया, ये कितने गलत डिसीजन लिए मैंने, कितना बेवकूफ़ था मैं, और अब ये आपको वापस से पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपको सुन के पता नहीं, देखो कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट हो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे एनर्जीज ये दिखाई दे रही है कि इस वक्त आपकी सक्सेस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और मूव ऑन,
इस पर्सन को धक्का दे गया। ऐसा एहसास करा गया तुम नहीं हो ना तो ज्यादा बेहतर मेरी लाइफ है, तुम गए तो मैं शायद यहां तक आ पाई या आ पाया। लेकिन अब इस पर्सन को बड़ा रिग्रेट हो रहा है आपको खो देने का। ठीक है, मे बी इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे पर्सन को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। तो आज व्यूअर्स आपके पर्सन कह रहे हैं, काश उस वक्त मैंने उस व्यक्ति का प्रपोजल यानी आपका प्रपोजल, आपका रिश्ता ठुकराया ना होता तो आज मेरी लाइफ में मुझे ये रिग्रेट ना होता। ठीक है, तो यस दे आर इन रिग्रेट। और वो आपके साथ में एक न्यू, जो मैंने बोला ना आपको कैसे ये एहसास कराएं कि ये आपकी वैल्यू करते हैं या फिर आपकी इनको इनको आपसे प्यार है, और ये पास्ट में जो उन्होंने आपके साथ में जैसा ट्रीट किया ये आगे ट्रीट नहीं करेंगे, तो न्यू बिगनिंग को लेके है। ठीक है, कि हाँ मैं आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ, ये जुड़ना चाहती हूँ, जैसे कि चांस पॉसिबिलिटीज ये व्यक्ति यहाँ पे तलाश रही है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट जो आपकी एनर्जीज है वो दिखाई दे रही है कि अब आप इस पर्सन को लेके ना फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में हो। जस्ट लेट इट बी यार, लाइफ में अब तो बूम आया है, अब तो नई नई मंजिलें तय होंगी, नए नए रास्ते बनेंगे, तो अब मैं इस पर्सन का क्या करूँ। ये पर्सन अपने आप को फॉर ग्रांटेड सा ट्रीट कर रहे हैं, खुद से ऐसे महसूस कर रहे हैं। सो करेंटली आपके पर्सन कर क्या रहे हैं, दे प्लानिंग फॉर देयर नेक्स्ट स्टेप, राइट? कि अब जो ये प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी हो गई है ये इससे कैसे बाहर निकलें। सही है, सो मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर रही हूँ, राइट? आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। प्लीज यूनिवर्स बताएं, 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आए हैं, 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल। ओके, सो रिसेप्टिविटी एंड दिस साइलेंस। तो आपका अगर इस व्यक्ति से इस समय बात करना नहीं हो रहा है, ठीक है, आप इस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो, इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम ही लग रही है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यार अब इस व्यक्ति ने तो मुझे एक्सेप्ट करना तो दूर, मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। ठीक है, ये क्या हुआ मेरी लाइफ में, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई है। तो ये फंस गए हैं अपने ही बिछाए हुए जाल में, ये पर्सन यहाँ पे फंस गए हैं। और एज यू कैन सी, इनको इस जाल पे बड़ा घमंड था, इनको लग रहा था कि भाई जहाँ जिस जोन में ये हैं वो बहुत सही कर रहे हैं आपके साथ में, लेकिन अब इनके लिए वही जोन इनका इनके लिए जेल से बदतर हो गया है। प्लीज़ यूनिवर्स किंग ऑफ वैंड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई करें, क्रिएटर अगेन। तो यहाँ पे ये बोलूँगी व्यूअर्स, इस पर्सन की लाइफ में आपने इस पर्सन का जो विजन है, ठीक है, सोचने का नज़रिया, लोगों को ट्रीट करने का नज़रिया, अपने आगे कुछ समझने का नज़रिया जो इस व्यक्ति का था, आपने बिल्कुल बदल के रख दिया है। आपने इनको ऐसा एहसास कराया है कि ज़्यादा ईगो में रहोगे ना तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे, अपनी ही आग से खुद को जला बैठोगे, किसी और को नुकसान नहीं करोगे। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। पॉलिटिक्स, तो मैंने बोला था प्लानिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे व्यूअर्स ये जो व्यक्ति है ना आज ये बहुत पछता रहे हैं आपके साथ में इस तरह से व्यवहार करके। और यस पॉलिटिक्स की एनर्जी आई है, तो ये जो व्यक्ति है ये आपकी लाइफ में आने के लिए या फिर आपके साथ में जुड़ने के लिए ये एक नया चेहरा बनाएंगे। अब वो नया चेहरा क्या होगा, आपके साथ में बहुत अच्छे से पेश आना, बहुत पोलाइट नेचर दिखाना, इनोसेंस के साथ में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपनी पर्सनालिटी को आपकी नज़रों में चेंज करके दिखाना। ये व्यक्ति के दिमाग में वही सब कुछ चल रहा है, सो दैट आप इस व्यक्ति को मे बी इन फ्यूचर एक नया चांस दो। ठीक है, और इस व्यक्ति को अप्रोच करो, तो रियल फेस तो छुप जाएगा, रियल फेस आपके सामने आएगा, एक ऐसा फेस जो कि ड्रामे से भरा हुआ होगा, या आपके साथ में आपके पर्सन ड्रामा करेंगे, इमोशनल ड्रामा, एक ऐसा जिसमें आप बहो इमोशनल वे में, और आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करो, ये रोएंगे आपके साथ में सामने। ठीक है, हाँ वो आंसू मगरमच्छ के होंगे, ठीक है,
यस, वो आंसू मगरमच्छ के होंगे जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आप कर लोगे। यहाँ पे इस पर्सन को ये श्योरिटी है क्योंकि वो अपने अंदर बड़े कॉन्फिडेंट है। ड्रामा क्वीन, ड्रामा किंग कह सकते हो आप इस व्यक्ति को, नो डाउट ये है। ये कुछ पाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, सो बी रेडी फॉर बिग ड्रामा जो आपके सामने होने वाला है। एंड फोर ऑफ कप्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। फोर ऑफ कप्स गाइडेंस, तो ये जो व्यक्ति हैं व्यूवर्स, इस वक्त अगर मैं देखूँ तो न्यू बिगनिंग आपके साथ में चाहते हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग मतलब कि चीज़ें बेहतर हो, हालात सुधरे, आप दोनों के बीच में चीज़ें मतलब री एस्टैब्लिश हो। ठीक है, ये इस कनेक्शन को लेके नया विजन क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो व्यक्ति हैं ये इस वक्त में भी किसी से सलाह भी लेंगे। ठीक है, ले रहे हैं या लेंगे, मे बी किसी दोस्त से, कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है, मे बी किसी को इन्वॉल्व करेंगे सो दैट आप उनकी बात को मानो। ठीक है, यस, मे बी आपका नोन पर्सन होगा वो, और आप मे बी उसकी बात नहीं टालते हो, ऐसा भी हो सकता है ये व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व करें। क्योंकि मैंने बोला था भाई पॉलिटिक्स की एनर्जी है, तो इंसान कुछ तो करेगा जहाँ पे भी उसको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे लिए स्ट्रांग पॉइंट है, वो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, सो न्यू बिगनिंग है और आपने इनको ट्रिगर तो किया ही है, नो डाउट। ड्रीमर को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें, ड्रीमर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके भाई, ड्रीम देख रहे हैं आपके पर्सन, आपके लिए वो ये कि जल्दी से जल्दी वो आपके साथ में जुड़े क्योंकि इनकी लाइफ में इस समय बर्डन है। ठीक है, बर्डन मतलब अब ये जो हो रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, वो एक तरह का कॉम्प्लिकेशन ही तो है। अब जो उन्होंने क्रिएट किया है, अपनी ईगो को सर पे बिठाया है, तो उसी का ढो रहे हैं ये आपके पर्सन, तो इससे निकलना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ में एक न्यू जर्नी क्रिएट करना चाहते हैं, जो क्योंकि इनको पता है क्या लग रहा है, आपके साथ में जो जर्नी होगी मे बी वो ज़्यादा बेहतर होगी, इनको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, लाइफ इजी हो जाएगी, मे बी इनकी लाइफ में अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और पहले भी एनर्जी एट ऑफ सोर्ड की आई जो कॉम्प्लिकेशंस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। सो एट ऑफ सोर्ड से अगर हम देखें, बात पहुंची एट ऑफ पेंटिकल पे, सो लेट्स सी एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है। ओके, गोइंग विद द फ्लो, अब इंसान जो कहते हैं ना हालातों के सामने मजबूर है और हालातों के अकॉर्डिंग वर्क करने को भी यहाँ पे मजबूर नजर आ रहा है। तो अब ये मतलब कहते हैं ना जैसे धारा चले वैसे चलो, तो ज़्यादा अच्छा से लाइफ निकल जाती है। धारा के अगेंस्ट चलोगे ना तो बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इनको समझ में आ गया कि भाई आपके साथ में ही चलने में भलाई है, लाइफ स्मूथ है, लाइफ इजी है, नहीं तो बड़ा परेशान हो जाएंगे ये। ठीक है, तो इनकी लाइफ में परेशानियां हैं और दैट्स वाई दे नीड योर सपोर्ट एज वेल, राइट। तो आप इनके लिए इस समय क्या बन गए हो, एक ऐसी बैकबोन जो इस व्यक्ति को चाहिए, राइट। सो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ देखूंगी चैनल मैसेज, सो प्लीज यूनिवर्स एंजल से मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या चैनल मैसेज हैं, इनके पार्टनर के क्या चैनल मैसेज हैं इनके लिए। आई विश यू कैन फॉरगिव मी, आप उन्हें माफ कर सको, उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन आपसे। ठीक है, तो डर है कहीं ना कहीं इनको कि मे बी आप माफ ना करो। इट लुक मी लॉन्ग टू फॉल लव अगेन, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं देखो लुकनी टुक की एनर्जी है। इट टुक लॉन्ग, इनको कहीं ना कहीं आपके प्यार को समझने में काफी देर हो गई, राइट। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं देर सही सवेर सही पर आए तो सही, आपके पर्सन आपको देखने के लिए मरे जा रहे हैं। डाइंग टू सी यू, आई एम क्रेजी टू फील योर प्रेजेंस एवरीवेयर, आपके प्रेजेंस इनको हर जगह फील हो रही है। द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू, आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए, और आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ये बॉटम से कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये सब चीज़ें समझ में तो आती हैं कि आप उनको फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हो। ठीक है, सो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन लिंक अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सन लिंक चार्जेबल रहेगी। ओके,
सो बाय बाय, टेक केयर।